पवन सिंह के फैंस अब हो रहे हैं गुस्से। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, पिछले साल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने पूरी तरह से झंडा गाड़ दिया था। पवन सिंह का पिछले साल लगातार गाना आप सभी के बीच आ रहा था, हर 6-7 दिन पे आप सभी के बीच पवन सिंह का नया गाना आ जाता था। और पिछले साल पवन सिंह का हर एक गाना मार्केट में खूब ज्यादा धूम मचाया, लोगों को खूब ज्यादा पसंद भी आया और हर एक गाना पवन सिंह का ग्राउंड लेवल पे रिकॉर्ड तोड़ बजा। और पिछले साल पवन सिंह ने बहुत सारा रिकॉर्ड भी बनाया और जब यूट्यूब ने फाइनल लिस्ट जारी किया तो सबसे ज्यादा पवन सिंह का ही गाना लिस्ट में था और पहला पे पवन सिंह का ही गाना था। वहीं बात की जाए 2024 का, तो 2024 में पवन सिंह चुनाव के चक्कर में यानी चुनाव के वजह से पूरा गायब दिख रहे हैं। होली में पवन सिंह का 4 गाना शूट हुआ था जिसमें से एक गाने को रिलीज किया गया और जैसे ही होली खत्म हुआ अभी तक पवन सिंह का कोई एल्बम गाना नहीं आया और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है कि पवन सिंह का नया एल्बम गाना आएगा या नहीं आएगा। और पवन सिंह के फैंस लोग काफी ज्यादा बेचैन हैं, कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं कि पवन सिंह का गाना कब आएगा। और गुस्से में कुछ लोग उल्टा पुल्टा भी कमेंट कर दे रहे हैं। उल्टा पुल्टा कमेंट करने की जरूरत नहीं है, दीपक सिंह के आईडी पे जाइए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कीजिए, वही कुछ कर सकते हैं। बाकी मेरे वीडियो में कमेंट आएगा तो मैं बस यही कर सकता हूँ, न्यूज बना सकता हूँ। हाँ, तो कल बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आ रहा था इसीलिए हमको वीडियो बनाना पड़ा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।